कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद भी कई लोगों के कोरोना की चपेट में आने की खबरें सामने आई हैं। लेकिन इस बीच मुंबई से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने सबको हैरान कर दिया है। दरअसल मुंबई में एक डॉक्टर के तीसरी बार कोरोना संक्रमित हो जाने का मामला सामने आया है। हैरानी की बात यह है कि कोरोना वैक्सीन लगवा लेने के बाद भी डॉक्टर महामारी की चपेट में आ गईं। मुलुंड इलाके की रहने वाली डॉक्टर सृष्टि हिलारी पिछले साल जून 2020 से लेकर तीसरी बार संक्रमित हुई हैं। उन्हें इस साल वैक्सीन भी लगी थी। तीसरी बार संक्रमण के पीछे कई कारण। वैक्सीनेशन के बाद संक्रमण हो जाने को लेकर चल रही स्टडी के तहत डॉक्टर सृष्टि के स्वैब सैंपल्स को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए कलेक्ट किया गया था। डॉक्टर्स के मुताबिक तीसरी बार संक्रमण के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से सार्स 2 वेरिएंट से लेकर इम्यूनिटी लेवल या गलत डायग्नोस्टिक रिपोर्ट की वजह हो सकती है। संक्रमण की वजह की चल रही जांच। बीएमसी के एक अधिकारी ने बताया कि हलारी के सैंपल्स को यह चेक करने के लिए कलेक्ट किया गया है कि वैक्सीनेशन के बावजूद वह संक्रमित कैसे हो गई। इनमें से एक सैंपल बीएमसी और दूसरा प्राइवेट अस्पताल की तरफ से किया गया। अभी संक्रमण की वजह की जांच चल रही है। डॉक्टर हलारी 17 जून 2020 को बीएमसी कोविड सेंटर में काम करने के दौरान पॉजिटिव पाई गई थी। उसके बाद इस साल 29 मई और 11 जुलाई को संक्रमित हुई। तीसरी बार संक्रमित होने की ये आशंका। डॉक्टर सृष्टि का इलाज कर रहे डॉक्टर मेहुल ठक्कर ने बताया कि ऐसा संभव है कि मई में हुआ दूसरा संक्रमण जुलाई में फिर से एक्टिवेट हो गया हो या फिर आरटीपीसीआर की रिपोर्ट नेगेटिव आई हो। वहीं एफएमआर की निदेशक डॉक्टर नरगिस मिस्त्री ने कहा कि हो सकता हो कि ऐसा होने की वजह कोरोना के किसी नए वेरिएंट का सामने आना हो। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।